This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are starting with a mindset and with some motivational thoughts. Whatever you think, it happens. How many of you believe in it? How many of you believe in it? जो आप सोचते हैं, वो होता है. How many of you can raise your hand? You can let me know, sir. I believe in it. Whatever I think, it happens in my life. Four, five only people are saying whatever we think, it happens. You know, alhamdulillah, whatever I think, it happens in my life. I used to think to start my own academy. Alhamdulillah, I have started. Until you start thinking something, things will not happen in your life. Sochna shuru karte hain aaj se. Kya? I can speak in English. Aapki soch aur aapki zaban par ye cheez honi chahiye. I can speak in English. I can speak in English. Never say, sir, I cannot speak in English. Always say, I can speak in English. Nothing is impossible. Aamir Khan apni film ke andar kya kehta hai? All is well, all is well. To kya sab usse well ho jata hai? Nahi. Lekin aapko musibat ka samna karne ka hausla aa jata hai. I am confident. Always say, I am confident. Never say, I feel shy. I cannot face audience. I am not confident. Never say like this. Always be positive. Show positivity. I am getting better at English. Never say, sir ji, hamari to English improve hi nahi ho rahi hai. Always say, I am getting better at English. I am the best. I am the best. I am the best. I'm getting better at English. I am confident I can speak in English. Whenever you say all these positive things start happening in your life. Right? So you must have this mindset on your mobile phone, on your mobile phone screen. Ek iska screenshot lijiye aur isko apne mobile phone ke background pe chipka dijiye. और रोज आना इसको देखते रहे. अपनी नोटबुक पे ऊपर लिख दिया करें, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. व्हाटएवर यू थिंक इट हैपेंस, व्हाटएवर यू से इट हैपेंस. मेरा एक सवाल है आप तमाम स्टूडेंट्स से. हाउ मेनी ऑफ यू बॉयल मिल्क एट योर होम. आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर पे जिनके रूटीन में है, हाँ भाई, दूध को बॉयल करना. हाउ मेनी ऑफ यू. बाकी लोग नौकर चाकर करते हैं, माशाल्लाह. अच्छा, मेरी इस बात से कितने लोग अग्री करेंगे, व्हेन एवर वी स्टैंड नियर द मिल्क और नियर द स्टोव, चूल्हे के पास जब हम खड़े होते हैं, व्हेन एवर वी स्टैंड, इट डज नॉट बॉइल, बट व्हेन एवर वी गो फॉर अ मोमेंट इन द रूम, इट बॉइल्स. एक लम्हे के लिए हम जाते हैं कमरे में और पीछे से दूध उबल जाता है. ऐसा होता है. माइक की सर्विसेज आपकी बहाल हो गई है. यस सर. यस सर, ऑलवेज इट हैपेंस. इट ऑलवेज हैपेंस. अब कभी आप सोचे कि ऐसा क्यों होता है? आप लोग सोचते ही नहीं. हम लोग तो हर बात में सोचते हैं. ये एक फिलोसफर ने अपनी किताब के अंदर हमें जिंदगी के मसलों मसाइल के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी. तो उसने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल कोट की कि व्हेन एवर वी थिंक अबाउट प्रॉब्लम, व्हेन एवर वी थिंक अबाउट प्रॉब्लम, जब भी हम मसले के बारे में सोचते हैं, व्हेन एवर वी थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम. वो मसला ही रहता है. इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम. मैं कहता हूं स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम.
स्टॉप, कोई सा भी मसला आपकी जिंदगी का, स्टॉप थिंकिंग थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचना छोड़ दे, वरना डायबिटिक हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, बट प्रे टू गॉड, प्रे टू अल्लाह, बट डू समथिंग विच सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, अगर आपको दूध बॉईल करना है, यू नीड टू एटलीस्ट पुट इट ऑन द स्टोव एंड टर्न इट ऑन। ऐसा ही है ना भाई, कम से कम इतना करना पड़ेगा कि दूध को चूल्हे पे रखना पड़ेगा, है ये तो करना पड़ेगा ना, इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। आप और चूल्हे की आंच को तेज कर दी, आपका मसला हल हो जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम अभी क्या है, राइट नाउ आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, सर मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ, यही प्रॉब्लम है, दिस इज योर प्रॉब्लम, यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट एंड दिस प्रॉब्लम हैज नॉट सॉल्व येट। एटलीस्ट आपको क्या करना है, ज्वाइन लैंग्वेज क्लास, नो मैटर फिजिकल, नो मैटर ऑनलाइन, ज्वाइन लैंग्वेज क्लास। अच्छा ये वो, ये क्या हो गया, आपने दूध को चूल्हे पे रख दिया, ज्वाइन लैंग्वेज क्लास। अब आंच को तेज कर दीजिए, टर्न योर स्टोव ऑन मैक्सिमम, क्या मतलब, स्पेंड मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम इन लैंग्वेज क्लास। एक मुझे बात बताइएगा, आपके पास माइक की सर्विसेज हैं, जब आप दूध को चूल्हे पे फुल आंच पे छिड़क के चले जाते हैं, तो क्या पूरे घर वालों को जब दूध उबलता है तो उसकी खुशबू और उसकी आवाज पहुंच जाती है, ढकना ऊपर से नीचे गिर जाता है, यस सर, ऐसा ही होता है? यस यानी सर, इट मींस पीपल कम टू नो, लोगों को पता चलता है कि भाई दूध ओह उबल गया है। व्हेन यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन लैंग्वेज क्लास, पीपल अराउंड यू, पीपल अराउंड यू विल कम टू नो दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब जरा सुनिएगा, मैं इसी चूल्हे की आंच को बिल्कुल धीमा कर देता हूँ। अब ये वो लोग हैं जो एडमिशन लेते हैं ज्वाइन लैंग्वेज क्लास, लेकिन अपनी जिंदगी का सिर्फ 1 घंटा, 1 आवर अ डे लैंग्वेज क्लास को दे देते हैं। तो फिर पता है क्या होता है, ऐसा ही हुआ कि आपने दूध को चूल्हे पे रखा और उसकी आंच को धीमा कर दिया। मुझे बताइए क्या वो ढक्कन ऊपर से नीचे गिरेगा या दूध नो अंदर ही सर, अंदर पक के खत्म हो जाएगा? तजर्बा पक्के खत्म हो जाएगा सर, है बिल्कुल हटके भाई, उसी में खत्म हो जाएगा। तजर्बा है। फिलोसफर ने सारी बातें बिल्कुल, अच्छा किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ढक्कन ढका रहेगा तो खुशबू भी नहीं निकलेगी। अब वो यही बात कहता है कि जब आप बहुत मिनिमम टाइम लैंग्वेज लर्निंग पर स्पेंड करते हैं, तो आपके बराबर बराबर के लोगों को आपकी नॉलेज का ना कोई बेनिफिट होता है, ना उनको पता चलता है कि आप कुछ सीख रहे हैं। मेरी बातों की गहराई का अंदाजा हो गया कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, यस सर, आई दैट कैन अंडरस्टैंड, यस सर, एग्जैक्टली, ज्वाइन लैंग्वेज क्लास, स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन लैंग्वेज क्लासेस। आपका जो भी मैक्सिमम है भाई, अब आपका मैक्सिमम 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, मंडे से आपका मैक्सिमम टाइम 9 आवर्स हो जाएगा। अभी तो आप लोगों के 6 आवर्स होता है ना, जैसे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से। तो 2 घंटे प्रोनाउंसिएशन सेशन, 1 घंटा जो है वो 1-to-1 डिस्कशन, तो अब आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा 9 आवर्स। अब आप इसमें से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इट्स अप टू यू कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपने टाइम को मैक्सिमम कर दिया, लोगों को पता चलेगा, पीपल अराउंड यू विल कम टू नो दैट यू आर लर्निंग एंड दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट्स फ्रॉम योर लर्निंग, उनको फायदा भी होगा आपकी लर्निंग।
Clear? So never think about a problem. You have, mashallah, joined a language class. Spend maximum time in it so that people will come to know that you are learning something. और मैंने एक जगह और पढ़ा था, एक जगह और पढ़ा था. Talking to yourself is the first step of learning. आप एक हफ्ते दो हफ्ते में शायद आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए कि आप अपने आप से बात करना शुरू कर दें. टॉकिंग टू योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग. लेकिन आगे एक और बात भी है, बट रिमेंबर रिमेंबर इट इज ऑल्सो अ फर्स्ट साइन ऑफ, बता दो, मैडनेस. लेकिन याद रखें, ये पागलपन की भी पहली निशानी. सो यू विल हैव टू गो बैड फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज. आप मुझे बताइएगा कि रात को सोते वक्त आप सो नहीं पा रहे, सर वो दिमाग में लैंग्वेज ही आई जा रही है, और सर आजकल मैंने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी. तो ख्याल रखिएगा कोई आपको पागल ना कह दे. लेकिन जब तक कोई आपको पागल नहीं कहेगा, ये पागल हो गई है, मम्मा पागल हो गई है, तो बस इसका मतलब है कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया. समझ रहे? ठीक है, मोटिवेशन मिल गई आज के सेशन से काफी. दैट यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन लैंग्वेज क्लासेस. द राइट डायरेक्शन अगर हमें मिल जाए ना, हम लैंग्वेज क्लासेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं. लेकिन देखिए, मैंने 20 साल में पता है क्या महसूस किया है, हम हार मान लेते हैं. वी क्विट. अच्छा, हम क्विट क्यों करते हैं? हम क्विट कर देते हैं. क्विट करने की वजह, पहली, वी डोंट अंडरस्टैंड. अच्छा, दूसरी वजह, वी डोंट फील दैट वी आर गेटिंग एनीथिंग. हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम कुछ सीख रहे हैं. वी आर गेटिंग और वी आर लर्निंग समथिंग. वी आर लर्निंग समथिंग. वी डोंट फील दैट वी आर लर्निंग समथिंग. और तीसरा, कुछ लोग मजे के लिए पढ़ते हैं. वी डोंट एंजॉय लर्निंग. ये जो तीन वजूहात है ना, ये बेवकूफ लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं. भाई समझ नहीं आ रहा, आप एक बात को दो दफा पढ़े, तीन दफा पढ़े, समझ आ जाएगा. हमें महसूस नहीं होता कि हम कुछ सीख नहीं रहे. आपको नहीं पता होता कि आप क्या कुछ सीख चुके हैं. हमें मजा नहीं आ रहा, वी डोंट एंजॉय. अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आप देखें, हर चीज को मजे के लिए नहीं पढ़ते. समटाइम्स यू लर्न समथिंग फॉर योर बेटरमेंट. तो हर चीज के अंदर एंजॉयमेंट को ना तलाश करें कि आई एम नॉट एंजॉइंग इट. Right? Sometimes your lecture may be dry, but you need to enjoy it. You need to learn from it. Leaving is not a solution. Leaving is not a solution. Uski jagah par aapko kya karna padega? Hard work. Hard work is the key to success. हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, ये बात याद रखिए. और ये फर्स्ट टू थ्री फोर वीक्स जो होते हैं ना बेटा, अगर आपने इसमें ज्यादा एफर्ट्स कर लिए, आप निकल पड़ेंगे. एक दफा जबान खुल गई तो बस फिर आप चल पड़ेंगे. सो यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन 3 to 4 weeks. यू नीड टू पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, लिसन टू लेक्चर 2, 3, 4, 5 times. राइट? And never feel that you are learning nothing. You learn a lot of things, but you cannot feel that you are learning something. Sometimes it happens, right? So, आज का session हमारा जा रहा है. Sir, मैं pronunciation को improve करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ?
व्हाट शुड आई डू? सबसे आसान है लिसन केयरफुली, लिसन टू डिफरेंट पीपल केयरफुली एंड स्पीक स्लोली, डोंट स्पीक फास्ट, डोंट यू वर्ड्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस साउंड्स विच वी आर गोइंग टू डू इन टुडे सेशन. ये वाली एक्टिविटी मैं बहुत करता था, यूज अ मिरर. अब आपका मोबाइल फोन आपका मिरर बन चुका है, फ्रंट कैमरा ऑन कर लें और अपने आप को रिकॉर्ड करें. लर्न IPA, फोनेटिक अल्फाबेट्स. आज के सेशन में बता रहा हूँ, वर्क विद अ ट्यूटर, योर ट्यूटर इज विद यू एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन. सर हम प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कभी जिंदगी में, अगर इफ यू हैव डन एम ए इंग्लिश तो आपने इसको देखा होगा, लेकिन आज पहली मरतबा पता चलने जा रहा है. मेरा एक सवाल है आप सबसे, जनरल नॉलेज का, सब बच्चे जवाब दे सकते हैं. हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 26 26, लेटर 26, 26. आज जानकर हैरानगी होगी, यू मे बी सरप्राइज, हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 40 42 46 44. 44 यार वी हैव 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओ माई गॉड, वी हैव 44 साउंड्स. अब हमारे पास दो तरह की साउंड्स होती हैं. अगर आप में से कोई मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स है, किसी ने मॉन्टेसरी का कोर्स किया हुआ है, तो उसने फोनिक्स को पढ़ा होगा. ठीक है, तो फोनिक्स के अंदर दो साउंड्स हम बच्चों को सिखाते हैं. पहली जो होती है, बताइए वो कौन सी होती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? बी से आता है, बताइए. क्या पढ़ते हैं आप इसको? वॉवल्स वॉवल. आप लोगों की जबान में वॉवल, हमारी जबान में वाउल. वाउल साउंड्स. हाउ मेनी वाउल साउंड्स डू वी हैव? वी हैव फाइव फाइव वाउल्स, बट वी या हैव फाइव सब 20 वाउल साउंड्स. वी हैव फाइव वाउल्स, पांच वाउल्स हैं, AEIOU, बट वी हैव 20 वाउल साउंड्स. एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स डू वी हैव? वी हैव 21 24 टोटल साउंड्स, 44. वी हैव 20 वाउल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स आर इजियर देन वाउल साउंड्स, क्योंकि दो वाउल साउंड्स मिलकर देखें बन जाते हैं डिफ्थोंग्स. अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, ये जो चार्ट है ऊपर देखें, मोनोटोंग्स लिखा हुआ है और डिफ्थोंग्स लिखा हुआ है. मोनोटोंग्स क्या होते हैं? जिसमें एक आवाज होती है. लेकिन डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? जिसमें दो आवाजें होती हैं. और नीचे आपको येलो में जो नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. अब इन कुछ कॉन्सोनेंट्स तो समझ आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ देखें तो आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है. जैसे आप चीज पर देखें, चीज, आप देखें जून, आप देखें थिंक, यहाँ पर ये जो सिंबल्स बने हुए हैं ये आपने पहली मरतबा देखे. नीचे देखें दिस, फिर थोड़ा सा आगे चलें शेल, फिर टेलीविजन, फिर सिंग, आप कहेंगे ये क्या है, और आखिर में देखें यस. ये बेसिकली सिंबल्स हैं विच रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स. आपको यही साउंड्स, मिस मरियम से आपकी इंशाल्लाह मुलाकात मुतवक्का है मंडे को, तो वो आपको यही साउंड्स प्रोड्यूस करना सिखा रही होंगी. आज के सेशन में आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं और मैं आपको एक हफ्ते का और 10 दिन का एक टारगेट दे रहा हूँ. अगर आपने मेरे उस टारगेट को, उस असाइनमेंट को फॉलो कर लिया, आई एम श्योर दैट यू विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, यू विल इम्प्रूव योर एक्सेंट, यू विल ऑल्सो इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. आप जानना चाहते हैं कि इन सारी साउंड्स को कैसे पढ़ा जाता है गोरे की आवाज में? इनवाइट करूं मैं एक नेटिव स्पीकर को अपने सेशन में, अगर आप इजाजत. यस ओके, सर व्हाई नॉट सर वी हैव सो मेनी नेटिव स्पीकर्स टुडे इन टुडे सेशन एंड दे विल कम वन बाय वन एंड दे विल शेयर. इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा
गूगल क्लासरूम के अंदर वी विल फाइंड ऑल नेटिव स्पीकर्स देयर. याद रखें जो फोनिक्स होते हैं ना वो नेटिव स्पीकर से ज्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता. सो यू विल ऑलवेज हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम नेटिव स्पीकर्स. जैसे यहाँ पर देखें मैं यहाँ गूगल क्लासरूम के अंदर हूँ, ठीक है. इसकी एक्सेस आपको मिल जाती है जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होगी और आज का सेशन के बाद आपके पास आ जाएगी. देख रहे हैं आपके पास ये सारे नेटिव स्पीकर्स नजर आ रहे हैं आपको. ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं शायद आपको आसानी से दिख जाए. अब सबसे पहला ये आईपीएस साउंड्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं. मैं यहाँ पर बकायदा लिख भी देता हूँ अगर मुझे इजाजत दे कोई लिखने की. नहीं मुझे इजाजत नहीं मिल रही है लिखने की. तो बहरहाल ये आपके पास नजर आ रहा है साउंड्स ऑफ इंग्लिश वाउल्स. ये देखें यही सेम चार्ट है. तवज्जो से सुनिएगा. 3 मिनट लगेंगे. आप यकीन करें मुझे 6 महीने लगे थे. इट टुक मी 6 मंथ्स टू अंडरस्टैंड टू नो द एग्जैक्ट साउंड. लेकिन आपको सिर्फ 3 मिनट लगेंगे. इन 3 मिनट्स यू विल कम टू नो द राइट साउंड हाउ वी प्रोनाउंस दीज सिंबल्स. कंप्यूटर जी आज ही प्ले करना है. स्टूडेंट्स आर वेटिंग. ओके व्हाट अबाउट दिस वन. यस इट्स वर्किंग. लेट मी ट्राई दिस वंस अगेन. इट मे टेक सम टाइम बट इट्स वेरी यस. Now listen. E. अच्छा अब यहां पर देखें आपको सबसे टॉप पर देखें ये जो आगे दो डॉट्स होते हैं ना ये लॉन्ग साउंड कहलाती है ई. उसके नीचे वर्ड भी लिखा हुआ है री. Read. उसके बाद शॉर्ट साउंड है इ. E. सेट. सच उसके बाद देखें यू लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है लेकिन ये अजीब सा नया एक यू इस आपके सामने. तो ये बेसिकली साउंड्स हैं, ठीक है. अभी आप ये पढ़ रहा है उ बुक. बुक उसके बाद अगर आप देखें तो यू के बाद दो डॉट्स नजर आ रहे हैं. इट्स अ लॉन्ग ऊ साउंड. ऊ ओ टू. टू अच्छा अब आपके पास डिफ्टोंग आ गया. अगर आप नीचे वर्ड को देखा करें ये दो साउंड्स को ज्वाइन कर रहा है. ईयर ईयर. या उसके बाद देखें दोबारा दो साउंड्स को ये ज्वाइन करेगा. ए डे. ए डे अब आप देखें जब एक एक वर्ड आप बोलेंगे इस तरह से हम तो बोलते हैं डे हेयर. हमारा डे और इसका डे में कितना फर्क है. डे 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 पानी डे. भाई क्या कर रहा है जल्दी पानी. डे हमारा डे होता है ना. इसका क्या है डे. हमारा टू होता है. इसका क्या है ट्यू. हमारी बुक है बुक. हमारा हम तो सिंपल बोलते हैं रीड 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 सिट. अभी हम ये जो 10 दिन है ना हमारे पास हम 10 दिन में किस तरह से काम करेंगे. हम सबसे पहले इंडिविजुअल ये साउंड पर काम करेंगे. कितनी देर लगेगी. 3 मिनट 22 सेकंड. मैं कितनी दफा सुनना है सर. 3 से 5 मरतबा. सर ने 6 महीने लगाए थे आप कितनी देर लगाएंगे. 15 मिनट में आप एकदम चीता हो जाएंगे कि ये साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. आई एम नॉट लाइंग. मैंने मुख्तलिफ टीचर्स से राबता किया उनके पास गया उनके उन्होंने मुझे बताया
डिक्शनरी खोल के समझाया, लेकिन मैं सुन नहीं सकता था किसी नेटिव स्पीकर को। 2004 में मेरे पास तो यूट्यूब की कोई एक्सेस नहीं थी, ये तो अभी मुझे पता चला है, यूट्यूब जब से स्मार्टफोन्स आए। ठीक है, आगे सुनिए मैन। अब ये शॉर्ट साउंड है, मैन मैन। अमेरिका अमेरिका, रिपीट करते रहे। वर्ड अर वर्ड ओ ओ सोड सॉट हुआ उआ टू टुआ ओय ओई ओई बॉय ओ ओ Go go at eh tat catch a ah but but ah are hard hard of not not ear air where where I I my my ow ow हाउ। How? अच्छा, अब जो साउंड शुरू हो रही है, अब ये सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही है। दिस इज समथिंग विच यू आर लर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। यहीं से आपका एक्सेंट बनता है, यहीं से आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है, और यहीं से आपकी फ्लुएंसी को लोग अप्रिशिएट करेंगे। व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विद गुड प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, पीपल विल अप्रिशिएट यू। और उसके अंदर फिर चौथी चीज हम ऐड करेंगे, एक्यूरेसी, जिसमें काफी वक्त लग जाता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड टाइम लेगा। 10 दिन में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, आप सारा फोकस कहाँ पर लगा दें? आई नीड टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन, आई नीड टू इम्प्रूव द वे आई स्पीक। उसके बाद आपको पूरी जिंदगी किस पे लगानी है? आई नीड टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। आई बात समझ? चलें, अब देखें, यहां पर शुरू हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड्स, प, लेकिन ये कैसे बोलेगा? ठीक ब, बेट, ट, बेड टाइम, टाइम ड, डू, डू च, चर्च च, जज जज, किलो हेलो, गो, गो गो, Fine. बाय, Very thing. The six Z Zoo, zoom shot, short. casual, Casual. Milk. no, No. ing, sing, Thing. Hello. ooh. Live. Red. What? Read. What? Window. Window. Yeah. Yes. पांच, तीन से पांच मरतबा अंटिल यू अंडरस्टैंड ऑल इंडिविजुअल साउंड्स, सिंबल्स को देखें और उसकी साउंड्स को। अच्छा, अब आप क्योंकि देख नहीं पा रहे कि हाउ दीज लेटर्स आर एक्चुअली प्रोनाउंस, दीज सिंबल्स आर प्रोनाउंस, तो हमने एक टीचर को दावत दी है, एंड शी विल रियली हेल्प यू हाउ टू प्रोनाउंस। यू कैन सी हर दैट हाउ शी प्रोनाउंस ऑल दीज 44 सिंबल्स। वॉच केयरफुली।
as a graphing on the screen as I say the sound. Here. Ready? Here we go. As in banana. अब आप देखिए, the way she is pronouncing, look at her lips, tongue, teeth, upper palate, soft palate, hard palate, epiglottis. ये क्या सर, ये आपने सारी बातें क्या कही, दोबारा बोले. Lips, teeth, tongue, hard palate, soft palate. ऊपर जो आपकी जगह होती है ना मुंह के अंदर, hard palate, soft palate, और पीछे वो एक कवा लटका होता है, epiglottis. तो ये सारी चीजें हमारी मदद करती हैं साउंड्स को प्रोड्यूस करने में. अब आप देखें इसको गौर से देखें और सुने. As in dinosaur. As in fish. As in guitar. As in hand. As in jelly. As in car. Ooh, as in leap. As in Monday. As in nail. As in the end of the word, sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. As in turtle. As in volcano. As in watch. As in yo-yo. As in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of two phonemes. For example, Q makes the q sound, and X makes the s sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where two letters make one sound. Ch, as in child. Sh, as in shoes. As in the middle of mother. As in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephants. I, as in the first sound in igloo. A, as in the first sound in octopus. As in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. A, as in the final sound in saw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. Oo, as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book. Ow, as in the final sound in cow. Oi, as in the final sound in boy. There are also R controlled vowels. अच्छा, अब आपने देखा इसने तकरीबन सारे वही symbols जो भी आपने देखे थे, 44 symbols, ये आपने इसने आपको प्रोनाउंस करके दिखाया. आई जस्ट वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियो 3 to 5 times. ये आपका स्टार्टर है, ठीक है. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर एक्सेंट, एंड यू वॉन्ट टू हैव गुड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के अंदर अगर ये दो चीजें ना हो ना बेटा, जो आप लोग अभी ये सीख रहे हैं, कौन सी प्रोनाउंसिएशन, और इसी के साथ साथ आपको इंटोनेशन भी मिल जाएंगी, आपकी अल्फाजों में उतार चढ़ाव, ठीक है. तो अब इसके बाद, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अ प्रोनाउंसिएशन कोर्स ऑफ 6
आवर्स. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको दो दो घंटे में करके, आज जुम्मा है, हफ्ता इतवार, 3 दिन में ये कोर्स मुकम्मल कर लें. सर्टिफिकेट नहीं मिलता इस कोर्स का, लेकिन आपको वो कुछ मिल जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था. देखें, ये वही सिंबल्स आपको नजर आ गए जिस सिंबल्स को मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था. एंड यू हैव नाउ अ नेटिव टीचर. शी इज गोइंग टू टीच यू 8 vowel sounds एंड ऑलमोस्ट 19 consonant sounds. एंड शी इज रियली ऑसम द वे शी टीचेस. एवरीबडी कैन प्रैक्टिस. आप देखें हाउ शी इज गोइंग टू टीच यू. Hello guys and welcome to this English pronunciation video. In this video, I'm going to focus on 2 very important vowel sounds in English, e and e. अब देखें ये वही साउंड आ गई जो अभी हमने देखे थे, अब ये आपको पढ़ाने जा रही है. Take 2 example words. The first word is bed. Bed. Can you hear the e sound? Bed. Bed. Now the second word is bid. Bid. Can you hear the I sound? Bid. Bed. Bid. I know they sound similar, but they are different. And with a little bit of practice, you will start hearing them differently. I promise you that. So keep watching. आपने देखा, this is how she is going to deliver almost in 6 hours a lot of words. अगर ये 6 घंटे का प्रोनाउंसिएशन कोर्स आपने कर लिया वक्त निकाल कर, रोजाना 1 घंटा दे दें इसको, आपकी जिंदगी बदल जाएगी 6 दिनों के अंदर फॉर श्योर. ठीक है, ये तो आपका एक स्टार्टर पैकेज हो गया है फॉर इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन. आपने बेसिक कोर्स कर लिया है, आपको समझ आएगी कि हाउ द वर्ड्स आर एक्चुअली प्रोनाउंस्ड. लेकिन अब बिकॉज एज यू आर अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, सो यहां पर देखिए आपको मैंने कुछ वर्ड्स शेयर किए बिकॉज वी नीड टू स्पीक इन इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, एज क्विक एज पॉसिबल. बट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू 3,000 words विच आर कॉमनली स्पोकन इन इंग्लिश लैंग्वेज. I have not extracted these words. Oxford has extracted all these 3,000 words. What I want you to do, I just want you to verify whether you pronounce them correctly or not. How much time it will take? It will hardly take 2 hours. जब भी मैंने आपको 10 days का time दिया है, 6 दिन में आपने pronunciation course कर लिया, और उसके बाद 2 दिन आप इसको दे सकते हैं, 1 घंटा रोजाना. अब आप पे डिपेंड करता है, आप उस 8 hours को 2 दिन में डिवाइड कर लीजिए, 3 दिन में डिवाइड कर लीजिए, वरना 1 घंटा रोजा. स्पेंड 1 hour डेली ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड बिलीव इन मी दैट यू विल फाइंड द डिफरेंस इन 10 days. सर आई हैव इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्टाइल. आपको सिर्फ क्या करना है, आई वॉन्ट यू टू वेरीफाई वेदर यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली और नॉट. आप सिर्फ इस और वीडियो को सामने रखिएगा और इस तरह से पढ़ते हुए जाइएगा. Absolutely. अच्छा, अगर आप नीचे देखें तो आपको वही वर्ड्स नजर आ रहे होंगे जो अभी आपने सारे सिंबल्स याद कर आए. एक्सेंट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेबल. नीचे देखें, आप वही लैंग्वेज लिखिए जिसको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. वही ट्रांसक्रिप्शन जो अभी आप, वही सिंबल्स, वही IPA आपके नीचे आ रहे हैं. देखें, अकॉम्पनी, अकॉर्डिंग टू, अकाउंट, account, accurate, accuse, achieve, achievement, acid, acknowledge, acquire, across, act, action,
Activity. Activity. Actor. Actor. Actress. Actress. Actual. Actual. Actually. Actually. Add. Add. Adapt. Adapt. Add. Add. Addition. Addition. Additional. Additional. Address. Address. Adequate. Adequate. Adjust. Adjust. Ab dekho, adjust. Admiration. 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 Admire. Admire. Admit. Admit. Adopt. Adopt. Adult. Adult. Advance. 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 Advanced. Advantage. Advantage. Adventure. Adventure. क्या इस तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते? सिर्फ एक दिन रात में हैंड्स भी लगाकर लेट जाए और स्क्रीन को देखते रहे कि मैं 3000 वर्ड्स में से क्या ये 3000 वर्ड्स सही प्रोनाउंस करती हूँ, तो आपको कम से कम 100 वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जो आप मिस प्रोनाउंस करते हैं. यकीन नहीं आ रहा? आइए आप ये 100 वर्ड सुन लें. 100 में से मैं कहता हूँ आप सिर्फ 120. Hello and welcome back to English with Lucy. ये आपकी एक और टीचर है, मिस लूसी. शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी द वे शी टीचेस ऑसम. और इनके मुताबिक मैं नहीं कह रहा, द इफ यू वांट टू स्पीक मोर लाइक अ नेटिव स्पीकर यू मस्ट कॉपी नेटिव स्पीकर्स. ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अल्फाज हैं. मैं आपको सुनवा देता हूँ. ये देखें, ये इनके अल्फाज यहाँ पर कहीं आएंगे, सुनिए. Native speakers. So, to sound more like a native speaker, क्या कह रही है? The absolute best way to sound more like a native speaker is to imitate other native speakers. So, I want you to imitate or to copy me. So, I'll say the word and then you repeat. I'll say it again. And then you repeat, and then we move on to the next one. Now, remember that I am speaking British English, so my pronunciation will be different to an American speaker's pronunciation. American English can be quite different, but just as beautiful. Now, these words might seem quite easy to you because they're words that we use all the time, but really concentrate on the vowel sounds, because in many languages like Spanish, you have 5 vowel sounds, and in British English, we have 12 vowel sounds, as well as diphthongs. Now, I do have the list, the complete list of the words in the description box. So if you are looking for the pronunciation of a specific word, then you can check that and click on the right timing. Okay, let's begin. अब ये देखो, अब इसने पहला वर्ड ही जो बोला वो तो हम पता नहीं क्या बोलते. हम तो बोलते हैं दा. ये क्या बोल रही है? देखा आपने? द वे शी इज प्रोनाउंसिंग. दूसरा वर्ड भी हमारा गलत हो गया. अब देखें इसने क्या बोला. ये एक और आ गया. चीव. हमारे शुरू के चार वर्ड्स गलत हो गए. द वे वी प्रोनाउंस, एक्चुअली वी डोंट प्रोनाउंस द वे शी इज प्रोनाउंसिंग. ऑफ बोलते हैं हम तो. ये तो ऑफ है ही नहीं, फा साउंड ही नहीं है. ये तो अ साउंड भी नहीं है. क्या है? ऑफ. दोबारा सुनो. ऑफ. एंड अब ये देखो, स्टार्ट ही हो रहा है ए साउंड से. एंड. एंड. अ और ए. ए. अ. ए. ए. इन. 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 दैट. देखो गौर से देखो. दैट. दैट. हैव. हैव. Have I. सबसे पहले ये 100 वर्ड्स सुन लेना. इन 3000 वर्ड्स को सुनने से पहले
प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर क्लोज हो गया, नजर आ रहे हैं दिस इज हाउ वी आर वर्किंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। सर अब एक्सेंट कैसे इम्प्रूव होगा? बेटा जब आप अपने हर वर्ड लेवल पर अभी आप काम कर रहे थे, अभी तक जितने भी आपने काम किया वर्ड लेवल पर किए, अब आप जा रहे हैं सेंटेंस लेवल पर काम करने, और इसको आप रोज आना, जब आप 8 दिन का के साथ साथ रोज आना इसको 20 मिनट दे दें, या आपके पास शॉर्ट स्टोरीज है 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रोज आना अगर आपने इसको व्हाट इज विच एक्सेंट इज बेस्ट सर, बेटा कोई सा भी एक्सेंट हो, प्रोनाउंसिएशन होता है अमेरिकन और ब्रिटिश, रियल प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन लोगों को अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छे लगते हैं। नो मैटर यू गो विद अमेरिकन और ब्रिटिश, बट गो विद स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन दैट इट शुड बी करेक्ट, राइट? अच्छा, अब आपको सर यहां क्या करना है, आइए सेंटेंस लेवल। आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल टेक्स्ट, जो मैंने कल आपसे कहा था कि आप जाइए चैट जीपीटी से आप स्टोरी उठाइए, उसको उसमें से उसको ऑडियो निकालें, आपका काम मैंने करके दे दिया, मैंने स्टोरी निकाली, मैंने खूबसूरत सी एक तस्वीर लगाई और इसके पीछे उस आवाज को डाल दिया। क्या बात है सर आपकी। और अब आप जब इसको सुनेंगे, सो आई वॉन्ट यू टू रिपीट रिपीट रिपीट, वेन यू रिपीट सिंपल इंग्लिश यू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। जब आप सिंपल इंग्लिश को रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आप फ्लुएंसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा आपके डिस्कशन क्लासेस में टंग ट्विस्टर्स भी आ रहे हैं, टंग ट्विस्टर्स ऑल्सो हेल्प यू टू गेट फ्लुएंसी। सारे काम आपकी फ्लुएंसी पर हो रहे हैं, पूरा 3 से 4 हफ्ते हम आपकी फ्लुएंसी पे काम कर रहे होते हैं, दैट यू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, राइट? अच्छा, आप इसको सुनना किस तरह से और इस पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डेली बेसिस पर 20 मिनट, भले से आप एक स्टोरी सुने, देर आर ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 60 स्टोरीज, स्पेंड 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स डेली, बट हाउ? आई लव सिंगिंग एंड आई लव बुक्स, आई लव सिंगिंग एंड आई लव बुक्स, जैसे वो बोले बिल्कुल वैसे कॉपी करें, क्योंकि अभी मिस लूसी ने कहा है If you want to sound more like a native speaker, copy, imitate another native speaker. अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज बिल्कुल एक native speaker की तरह हो जाए, तो आप क्या करें? आप इसको copy करें, बिल्कुल इसी तरह से बोलें. I love singing and I love books. So I'm very happy. देखा आपने इसका स्टाइल? अभी हमारा पाकिस्तानी कोई बहन होती, I love singing and I love books, so I am very happy. I love singing and I love books, so I am very happy. ऐसे मतलब मजा ही नहीं आता, इसकी आवाज सुनने में देखें कितना मजा आता है। My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore. I'm lucky. I live near the bookstore. And I don't start work until 10 a.m. And I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8. Every morning I get up at 8, make breakfast and watch the news on TV. Make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often go to the gym. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often go to the gym. Who is going to repeat? Yes, raise your hand. Yes, Aisha. Yes, sir. Yes, sir. Yes, go ahead. I love singing and I love books, so I'm very happy. My weekends are very exciting,
but I enjoy my weekdays too. I am lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning, I get up at 8, make breakfast and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people to find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and I often go to the gym. That's very good. That's very good. Yes, Nabiha. Nabiha. Itra. माइक पे टैप करेंगे आपका माइक होना चाहिए. यस जी. आई लव सिंगिंग एंड आई लव बुक्स सो आई एम वेरी हैप्पी. माय वीकेंड आर वेरी एक्साइटिंग बट आई एंजॉय माय वीकडे टू. आई एम लकी. आई लिव नियर द बुक स्टोर एंड आई डोंट स्टार्ट वर्क अंटिल 10 AM. Every morning, I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often to go to the gym. Thank you very much, but need to work hard a lot. Amina. I love singing and I love books, so I am very happy. My weekends are very exciting, but I enjoying my weekdays too. I am lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up 8, make morning and watch the news on TV. Then I walk to work. I am very busy all day. I help people find books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli. And I often do the gym. Yes, Yamna. Thank you very much. Need to a lot of hard work. Isko baar baar sunenge. और एक ही स्टोरी को बिल्कुल उसी तरह से कॉपी करेंगे जिस तरह से इस नेटिव स्पीकर ने पढ़ी है. यस यमुना. I love singing and I love books, so I'm very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning, I get up at 8 o'clock, make breakfast, and I watch in the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli and often go to gym. बस स्पीड को थोड़ा स्लो रखना है, भागना नहीं है. क्योंकि हमने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, स्पीक स्लोली, ताकि हर वर्ड की साउंड को हम सही प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, जैसे आप, अगर मैं आपको इसमें से कुछ वर्ड्स बताऊं, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गेट अप, गेट अप के अंदर जो टा साउंड है वो डा साउंड बन जाता है, गेट अप, गेट अप, गेट अप. जो ब्रेकफास्ट हम लोग पढ़ते हैं वो ब्रेकफर्स्ट होता है, ब्रेकफर्स्ट. जो सैंडविच लिखा हुआ है वो होता है सैंडविच, आखिर में जा साउंड आती है, सैंडविच. तो हमें एक एक वर्ड को फॉलो करना है कि ये जब हम, आप लोग वर्ड लेवल पर काम कर कर आएंगे ना, साथ साथ में आप वर्ड लेवल पर काम करेंगे, आप देखिएगा आपका एक एक वर्ड हीरे की तरह चमकेगा. पीपल विल एस्क यू, जैसे मेरे हर स्टूडेंट से लोग पूछते जरूर है, हु स्पीक गुड इंग्लिश, आपने लैंग्वेज कहाँ से सीखी. तो इंशाल्लाह पीपल विल ऑल्सो एस्क यू. And this is all about your how to improve pronunciation, accent, and fluency. Fluency का formula एक simple है. Repeat simple English again and again. अगर आप इसको बार बार read करें, बार बार read करें, बार बार read करें, आपकी जबान आदी हो जाएगी अंग्रेजी के अल्फाज बोलने के लिए और वो अटकना बंद हो जाएगी. आप लोगों के अंदर आदत नहीं है, उस आदत को 10 दिन के अंदर डेवलप करना है लाजमी तौर पर. ठीक है, ये आपको सारे वीडियो के लिंक्स कहाँ से मिल जाएंगे, आपको गूगल क्लासरूम का लिंक आ जाएगा,
आप गूगल क्लासरूम को जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिंक्स है, ठीक है। आपका पहला वीकली टेस्ट भी इंतजार कर रहा है, संडे को आप जाकर दे सकते हैं। यहीं पर आपका ये आज का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।